Hello everyone. Today we will learn the question answer of lesson I Had a Little Pony. The first question is, another word for wallop is, would the child hit the donkey? यानी कि wallop को और क्या कहते हैं और would the child hit the donkey? यानी कि जो child है उसने कभी donkey को hit किया था? Answer is, another word for wallop is lashed. No, the child wouldn't hit the donkey. यानी कि wallop को एक और word क्या है? Lashed. और child ने कभी को hit नहीं किया, यानी कि मारा नहीं था. Next is, what would the child give the donkey? यानी कि जो child है, वो बच्चे को क्या देता? Child है, वो donkey को क्या देता था खाने के लिए? Answer is, the child would give hay and corn to the donkey. जो child था, वो डंकी को घास और मक्का जो है वो खाने के लिए देता था. नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ पोनी? पोनी क्या है? आंसर इज, द पोनी इज अ बेबी हॉर्स. पोनी जो है वो बेबी हॉर्स है, यानी कि हॉर्स का बच्चा. नेक्स्ट, व्हाट डिड द लेडी डू टू द पोनी? जो लेडी है वो पोनी के साथ क्या करती थी? द लेडी व्हिप्ड एंड लैश्ड द पोनी. जो लेडी है वो पोनी को डांटती थी, डपटती थी, तो पोनी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू? जो बच्चा है उसने क्या डिसाइड किया करने के लिए? आंसर इज, द चाइल्ड डिसाइडेड टू नेवर लेंड द पोनी टू द लेडी अगेन. चाइल्ड ने डिसाइड किया कि वो कभी भी अपने पोनी को किसी लेडी को उधार में नहीं देगी. नेक्स्ट इज, हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? यानी क्या आपने कभी एनिमल्स को मारते हुए देखा है लोगों के द्वारा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आंसर इज, यस, आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स. आई थिंक दैट दे आर हर्टलेस. दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स कैन नॉट स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. मीनिंग, यस, आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स. मैंने लोगों को, जानवरों को मारते हुए देखा है और मुझे लगता है कि वो हर्टलेस होते हैं, यानी उन्हें दिल नहीं होता. वो ये नहीं समझते हैं कि एनिमल्स जो हैं ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी फीलिंग को बता सकते हैं. नेक्स्ट इज, डू यू एवर टीज एनिमल्स? क्या आपने कभी एनिमल्स को परेशान किया है? डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? आपको लगता है कि आपको उनके साथ दयालु होना चाहिए? आंसर, नो, आई नेवर टीज एनिमल्स. मैंने कभी एनिमल्स को टीज नहीं किया है. आई थिंक दैट एवरीवन शुड बी काइंड टू देम. और मुझे लगता है कि सभी को जानवरों के साथ में दयालु होना चाहिए. नेक्स्ट इज, नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन अ स्टेबल. कि जो भी जानवर स्टेबल में रहते हैं उनके नाम बताइए. सो आंसर इज, हॉर्सेस एंड मेयर्स लिव इन अ स्टेबल. यानी कि जो घोड़े हैं और जो खच्चर हैं वो स्टेबल में रहते हैं. नेक्स्ट इज, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग. आपको दो वर्ड बताने हैं जो कि स्टेबल से बने हों और उसमें से लेटर को हम हटा सकें. शुरू के लेटर को अगर हम हटा दें तो दो वर्ड बन जाए. सो आंसर इज, टेबल, एबल. जैसे कि हमने यहाँ पे एस को हटा दिया तो हमारा वर्ड बन गया टेबल, और हमने जब टी को भी हटा दिया हमारा वर्ड बन गया एबल. सो दिस वर्ड इज टू बी मीनिंगफुल. मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट इज, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पैट और एन एनिमल यू लव. आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी पैट के बारे में या फिर किसी जानवर के बारे में जिसे आप पसंद करते हैं. आंसर, आई हैव ए पैट पैरेट. यानी मेरे पास एक पैरेट है. इट्स नेम इज गंगाराम. उसका नाम गंगाराम है. द पैरेट ईट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन चिलीज, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ब्रेड. और जो पैरेट है वो सब्जियाँ, हरी मिर्ची, दाने, फ्रूट्स और ब्रेड खाता है. एवरी मॉर्निंग आई पुट फ्रेश वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑन और फ्रूट्स इन इट्स केज. और हर सुबह मैं उसके आगे साफ पानी और कुछ अनाज और कुछ या फिर फ्रूट्स जो है उसके पिंजरे में रख देती हूँ. गंगाराम लव चूड़ी. गंगाराम को चूड़ी बहुत पसंद है. इट कीप्स रिपीटिंग राम राम द होली डे. और द होल डे जो वो उसको बार बार राम राम जो है वो रिपीट करता रहता है पूरे दिन. आई इंजॉय वॉचिंग टू ईट ड्रिंक डांस एंड स्पीक. और मुझे उसको देखने में, उसको पानी पीने में, वो जब डांस करता है और बोलने में
को देखने मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू क्लास।